हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो लोकल एरिया नेटवर्क था वो तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क की, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क से। तो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जिसको हम लोग शॉर्ट में वैन भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज सिटी, कंट्री और स्पैन्स इवन इंटर कॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेज यूजिंग ए कम्युनिकेशन चैनल दैट कम्बाइंस मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन्स, केबल्स एंड एयरवेव्स। यानी वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि इसमें जो जो कंप्यूटर आपस में जुड़ के नेटवर्क बनाते हैं, तो जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोगों ने कहा था कि भाई विद इन ए बिल्डिंग या विद इन ए स्मॉल कैंपस या विद इन एन ऑफिस ऐसे होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि ये कंप्यूटर जो है एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। काफ़ी दूरी पे सिचुएटेड होते हैं का मतलब ये हो गया कि हो सकता है ये कंप्यूटर डिफरेंट शहर में हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज में हो सकता है डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में हो, तब भी ये कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं और एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। और जो इनको आपस में जोड़ने का जो माध्यम है, जो मीडियम है कि किस कैसे ये जुड़े रहते हैं, तो ये माध्यम जो है टेलीफोन लाइंस भी हो सकती हैं, टेलीफोन लाइंस, ठीक है। उसके अलावा आपका ये केबल्स भी हो सकता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल या केबल्स जो होते हैं, फिर टेलीफोन लाइंस है, केबल्स है, और अगर वायरलेस नेटवर्क हम बना रहे हैं तो थ्रू एयर वेव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन इसमें क्या है कि ये इसमें जो कंप्यूटर होते हैं, मान लीजिए हमने कहा कंप्यूटर 1 2 3 4, ये जियोग्राफिकली काफ़ी दूरी पे एक दूसरे से सिचुएटेड होते हैं। ये डब्ल्यू एन स्पैन्स ए लार्ज जियोग्राफिकल, मेन इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट स्पैन्स ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, वो हमने आपको बता दिया, विद इन सिटी, विद इन कंट्रीज, विद इन सब कॉन्टिनेंट्स, इतना बड़ा इनका रेंज होता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा है कि वैन ऑफन कनेक्ट्स मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क सच एज लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रो एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या करते हैं, ये आपस में छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये कोई कंप्यूटर है किसी शहर में है, सपोज कीजिए, ठीक है, ये एक कंप्यूटर का नेटवर्क है, आपस में कंप्यूटर्स जुड़े हुए, ये एक लैन है, ठीक। दूसरे शहर में कंप्यूटर्स का ग्रुप जुड़ा हुआ है आपस में, ये लैन है, ठीक है। तीसरे शहर में ये कंप्यूटर्स का ग्रुप आपस में जुड़ा हुआ है, ये तीसरा है, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा इसको लैन 3 बोला, लैन 2 बोला, लैन 1 बोला, तो ये हर एक शहर में, ये लैन 1 हमारा किस में है, एक शहर में है, ये हमने कहा दूसरे शहर में है, ये हमने कहा कि तीसरे शहर में है, ठीक है। ये कंप्यूटर्स आप इसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क में ये कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे आप समझ लीजिए जैसे कोई कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, उसके अलग अलग शहरों में ऑफिस है, तो उस पर्टिकुलर शहर में जो ऑफिस होगा उसके अंदर जो कंप्यूटर है वो तो आपस में लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जुड़े होंगे। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये मान लीजिए आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक। लेकिन एक शहर से दूसरे शहर जो ऑफिस जुड़े हुए हैं, जैसे बैंकों के होते हैं, रेलवे का होता है, और भी तमाम आज के समय में तो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है, तो अब ये जो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क हैं, लैन 2, लैन 3, लैन 1, ये आपस में जुड़े होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो ये आपस में जब जुड़ते हैं तो ये पूरा जो एक बनता है, ये बनता है एक वाइड एरिया नेटवर्क। तो मेन आपको जो चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है। इसके बाद क्या कह रहा है कि सम सेगमेंट ऑफ द इंटरनेट लाइक वीपीएन बेस्ड एक्स्ट्रानेट्स, ठीक है, आर ऑल्सो वाइड एरिया नेटवर्क इन देमसेल्फ। मतलब जैसे इंट्रानेट हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो लेक्चर मेरी चैनल पे अवेलेबल, आप देख सकते हैं कि इंट्रानेट क्या होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा उसको आई बटन में भी डाल दूंगा उसका लिंक। तो ये क्या कह रहा है कि वीपीएन बेस्ड जो
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेस्ड, ठीक है, जो एक्स्ट्रा नेट होते हैं, जो एक्स्ट्रा नेट होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी आपस में वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं, दे आल्सो फॉर्म ए वाइड एरिया नेटवर्क। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि मेनी वाइड एरिया नेटवर्क आर कॉर्पोरेट और रिसर्च नेटवर्क दैट यूटिलाइजेस लीज लाइन। तो जनरली क्या होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है या तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यूज होता है, कंपनियों में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ऐसे समझ लीजिए आप, या फिर रिसर्च पर्पस से यूज होता है, ठीक है। तो चूंकि इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है रिसर्च पर्पस से, ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये ऑर्डिनरी लाइन की बजाय ये अपनी प्राइवेट लीज्ड लाइन यूज़ करते हैं, ताकि इनकी नेटवर्किंग की, वो डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड फास्ट रहे, रिलायबल रहे, एक्यूरेसी रहे डाटा में, ठीक। व्हेन यू जनरली यूटिलाइज डिफरेंट एंड मच मोर एक्सपेंसिव नेटवर्क इक्विपमेंट देन डू लैंस, मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में कॉस्ट ज़्यादा आती है, कॉस्ट इज हाई बिकॉज इसमें एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम पॉपुलरली नोज टेक्नोलॉजी की बात करें वाइड एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वाइड एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए टेक्नोलॉजी होती है दैट इज कॉल्ड सोनेट, SONET, दैट इज कॉल्ड सोनेट। इसके अलावा और क्या है आपका, फ्रेम रिले, फ्रेम रिले, ठीक है, एंड ATM, ये सब क्या है, ये सब कॉमनली यूज वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, सोनेट है, फ्रेम रिले है और ATM है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के नेटवर्क बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन, ठीक है। मैन का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मेट्रोपोलिटन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होते हैं, आप बहुत आसानी से तो आप इनको ये समझ सकते हैं कि देखिए पहले तो सीधी सीधी बात है कि जियोग्राफिकल लिमिट की हम बात करें, तो उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होते हैं कि ये लैन से बड़े होते हैं, ये नेटवर्क लैन से बड़े होते हैं लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटे होते हैं, यानी लैन और वैन के बीच जो जियोग्राफिकल लिमिट जो कवर करते हैं नेटवर्क, वो नेटवर्क कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए मैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली कवर्स ए लार्जर एरिया देन ए लोकल एरिया नेटवर्क एंड लेस एरिया देन ए वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई नेटवर्क है दैट कनेक्ट्स टू ऑफिसेज इन ए सिटी, तो वो भी आपका एक तरह से मैन हो गया। ए मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इज ए लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन्स अ सिटी और ए लार्ज कैंपस, ए नेटवर्क स्पैनिंग ए फिजिकल एरिया लार्जर देन ए लैन बट स्मॉलर देन ए वैन। ए मैन इज टिपिकली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई ए सिंगल एंटिटी सच एज गवर्नमेंट बॉडी और लार्ज कॉरपोरेशन। तो देखिए इसमें कोई आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये समझ लीजिए कि कोई कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, ये कोई एक लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन जो होगा उसकी रेंज और ज़्यादा होगी तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, और जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसकी जियोग्राफिकल कवरेज और ज़्यादा होगी, ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक। अब फॉर एग्जांपल मैन जो है जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, जनरली मैन यूज़ होता है आपका गवर्नमेंट बॉडीज़ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, या आप ये कह लीजिए लार्ज बड़ी कंपनीज जो है लार्ज कॉरपोरेशंस में, यहाँ क्योंकि इनका पूरा अपना नेटवर्क होता है, पूरा आप समझ लीजिए कि थ्रू आउट द कंट्री बिटवीन द सिटीज़, तो ये जो है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट टाइप के नेटवर्क की, दैट इज सैन, ठीक है। अब ये लैन, मैन और वैन, इनमें तो मेन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हम डिफरेंस कर पाएंगे डिपेंडिंग अपॉन दियर जियोग्राफिकल लिमिट्स, ठीक। अब इनसे हटके अब आप आ जाइए सैन, सैन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, या इसकी एक और डिटेल फॉर्म हो सकती है सिस्टम एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया
नेटवर्क, या आप इसको सर्वर एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं, सर्वर एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये तीनों में से आप कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए सैन क्या होता है, ए स्टोरेज एरिया नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन टू हैंडल लार्ज डाटा ट्रांसफर। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है देखिए मेन इसमें केस क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क में मान लीजिए हमने कहा कोई हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें क्या है, जिसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो वहां पे जो लैन यूज हो रहा होगा उसको हम इस तरह डिजाइन करेंगे कि वो लैन जो है वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क की तरह काम करेगा। मेन इसमें है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टेक्स प्लेस इन दिस नेटवर्क। ए सैन टिपिकली सपोर्ट्स डेटा स्टोरेज रिट्रीवल एंड रेप्लिकेशन ऑन बिजनेस नेटवर्क यूजिंग हाई एंड सर्वर्स मल्टीपल डिस्क अरेज एंड फाइबर चैनल इंटरकनेक्शन टेक्नोलॉजी। तो जो आपका सैन है, सैन के अंदर क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ हमको डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर हमको कई ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जैसे एक तो डेटा का स्टोरेज हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया, सेकेंड हमने कहा डेटा का रिट्रीवल हो गया, भाई डेटा हम स्ट्रीव जब जरूरत पड़ेगी तो हम रिट्रीव कर सकें, डेटा रिट्रीवल हो गया। थर्ड जो है डेटा मान लीजिए हमें उसकी कॉपी किसी को देनी है डेटा की, तो डेटा डुप्लीकेसी हो गई या डेटा रेप्लीकेशन कह लीजिए, डेटा रेप्लीकेशन हो गया। तो ये सारे ऑपरेशन हम सैन के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसको परफॉर्म करने के लिए किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है या किस एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसमें देखिए एक तो हमें हाई एंड सर्वर, हाई एंड सर्वर का मतलब होता है कि हमको बहुत ही पावरफुल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, या ऐसे कह लीजिए हमको बहुत ही हाई स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीपल डिस्क एरे की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीपल डिस्क एरेज हो गया, और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमको फाइबर चैनल इंटरकनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, फाइबर चैनल और इंटरकनेक्शन टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सब मिलके एक सैन बनाते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क या सिस्टम एरिया नेटवर्क, या आप उसको सर्वर एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं। ठीक, और लास्ट में जो आता है आज के लेक्चर के लिए वो आता है हमारा कैन। ठीक है, अब कैन को अगर आप फुल फॉर्म बोलेंगे कि कैन की फुल फॉर्म, तो कैन की फुल फॉर्म इसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं और कंट्रोलर एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। लास्ट है आज का टॉपिक कैन, कैन मतलब हो गया आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, या आप इसको क्या कह सकते हैं, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए कैन में क्या होता है कि ए कैंपस नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क मेड अप ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ लैंस विद इन ए लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब देखिए जैसे ही नाम बता रहा है कि कैंपस एरिया नेटवर्क, मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा कैंपस है, सपोज कीजिए किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, अब उसमें क्या होगा कि एक डिपार्टमेंट यहाँ पे होगा, दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ पे होगा, तीसरा डिपार्टमेंट यहाँ पे होगा, और इस डिपार्ट मान लीजिए हमने कहा डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। अब इसके जो कंप्यूटर्स हैं वो तो मान लीजिए इस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर आपस में लैन के थ्रू जुड़े हुए हैं, सब आपस में। ठीक है, ये आपस में एक लैन से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ये डिपार्टमेंट 2 के भी कंप्यूटर आपस में लैन से जुड़े हुए हैं, क्लियर। और ऐसे ही कैंप इसमें डिपार्टमेंट 3 में भी इसी तरह कंप्यूटर आपस में लैन के थ्रू जुड़े हुए हैं, लेकिन लेकिन क्या होगा कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर भी आपस में नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यानी विद इन ए कैंपस ये काम होता है, या विद इन ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया ये काम होता है, तो उसी को बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक, इसमें जो हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है
इस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है स्विचेस की। अब ये स्विचेस क्या होते हैं, राउटर क्या होते हैं, ये सब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है, राउटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और इनके साथ साथ ट्रांसमिशन मीडिया किसके थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसमिशन मीडिया की। ट्रांसमिशन मीडिया में आपका क्या क्या, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ऑप्टिकल, अब आज के समय में तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर ही है, कॉपर प्लांट हो गया, कॉपर प्लांट, और केबलिंग हो गई, ठीक है। तो ये विद इन अ कैंपस ये नेटवर्क आपस में जो जुड़े होते हैं, वो चाहे ऑप्टिकल फाइबर केबल से, चाहे कॉपर प्लांट से, और चाहे आपका केबलिंग से, कैसे भी इनको आप जोड़ सकते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि ये जो कैंपस एरिया नेटवर्क है, तो ऑब्वियस बात है कि इसका मालिक या इसका ओनर कौन होता है। अरे भाई, वो होता है जिसका ऑफिस हो वहाँ पे, ठीक है। तो इसके जो ओनर होते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क के, जनरली वो क्या होते हैं, जनरली कैंपस एरिया नेटवर्क के ओनर जो है, या तो कोई कंपनी, मान लीजिए हमने कहा एन एंटरप्राइज, ठीक है, या अभी जैसे हमने यूनिवर्सिटी की बात की थी, तो कोई यूनिवर्सिटी है वो उसका ओनर होगा उस नेटवर्क का, ठीक। या अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट होगी उसकी ओनर, तो क्योंकि वो विद इन ए कैंपस वो नेटवर्क काम करता है, ठीक। आगे इस पे हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ ए यूनिवर्सिटी कैंपस बेस्ड कैंपस नेटवर्क, द नेटवर्क इज लाइकली टू लिंक ए वेराइटी ऑफ कैंपस बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग एकेडमिक कॉलेजेस और डिपार्टमेंट, द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल्स एट्सेट्रा। तो वो चीज़ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए अगर हमने कहा कि कोई यूनिवर्सिटी की हम बात करें, मान लीजिए इतना बड़ा कैंपस है, अब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, यहाँ दूसरा डिपार्टमेंट है, यहाँ तीसरा डिपार्टमेंट है, यहाँ स्टूडेंट्स के हॉस्टल हैं, यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है, फिर हमने कहा यहाँ पे एडमिन ऑफिस है, ठीक। अभी काफ़ी लार्ज कैंपस है ये, 100 ऑफ एकर्स में। तो अब इनके जो आपस में जो कंप्यूटर हैं, एक डिपार्टमेंट के, एक ऑफिस के, एक हॉस्टल के, वो तो आपस में लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जुड़े रहते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और विद इन कैंपस ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भी नेटवर्किंग रहती है, ठीक है, और वो नेटवर्किंग कहलाती है कैंपस एरिया नेटवर्क, ताकि आपको एक ही जगह पे बैठ के, एक ही ऑफिस में बैठ के, अगर आप कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन दूसरे ऑफिस, दूसरे उसका स्टूडेंट हॉस्टल का, या कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें, तो विद इन कैंपस आप उसको ले सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैंपस एरिया नेटवर्क। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो डिफरेंट तरह की नेटवर्किंग है, ठीक है। अब जो कुछ और टाइप की नेटवर्किंग रह गई है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पर, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।